नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल आज़ाद स्टडी 2.0 में। तो आज हमारा टॉपिक है राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एंड आंसर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था से है। क्वेश्चन नंबर 33 है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। क्वेश्चन नंबर 34 है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? उत्तर है गुरु राम सिंह ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 37 है, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? उत्तर अमेजन नदी की। क्वेश्चन नंबर 38 है, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन को किसने बनाया था? नेक चंद ने बनाया था। उत्तर नेक चंद। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। क्वेश्चन नंबर 41 है, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। क्वेश्चन नंबर 42, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण में किसका सर्वाधिक योगदान है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का देशी रियासतों के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? उत्तर खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? उत्तर श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 45 है, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? उत्तर हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले का शुभारंभ किया था। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था। क्वेश्चन नंबर 47 है, गुरु तेज बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर की हत्या करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवाई थी? उत्तर गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, हुमायूं नामा पुस्तक किसकी रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसने अपने विजयों के उपलक्ष में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर ओडिशा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है? उत्तर लैक्टोमीटर, जिससे दूध में पानी की मात्रा को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 54 है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य से कुचिपुड़ी नृत्य शैली का
संबंध है। क्वेश्चन नंबर 56 है, केरल के तट को क्या कहते हैं? उत्तर, मालाबार तट। केरल के तट को मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? उत्तर, बिहार राज्य की लोक कला चित्र शैली है मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 58 है, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया है? अहमदाबाद गुजरात में महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है, महान चिकित्सक चरक के किसके दरबार में थे? उत्तर है, कनिष्क के दरबार में। महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 60 है, मोहिनीअट्टम कथकली नृत्य शैली मुख्य है, मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? उत्तर है, केरल राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? उत्तर है, विजय घाट। दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? उत्तर है, सन 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 64 है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? उत्तर है, मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 65 है, विश्व में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? उत्तर, भारत में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? उत्तर है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में विवेकानंद स्मारक स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। क्वेश्चन नंबर 70, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, विंडो में एम ई से क्या शब्द बनता है? मिलीनियम शब्द विंडो में एम ई शब्द से बनता है। क्वेश्चन नंबर 72, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1976 में विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बना था। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? निर्वात ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? सीडेक संस्था ने भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? परम सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 77 है, HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, IBM का पूर्ण रूप क्या है? IBM का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की फुल फॉर्म होती है।
क्वेश्चन नंबर 79 है, आईएसपी का पूर्ण रूप होता है, आईएसपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी का पूर्ण रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, पहला कंप्यूटर माउस जो लकड़ी से बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? डगलस एंजल बर्ट द्वारा पहला लकड़ी का माउस का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है बॉल या निर्वात ट्यूब, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक घटक है। क्वेश्चन नंबर 82, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान है चार्ल्स बेबेज का। क्वेश्चन नंबर 83 है, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी का पूर्ण रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 84, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? उत्तर है सुपर कंप्यूटर, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 85, सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? उत्तर है डॉट मैट्रिक प्रिंटर, सर्वाधिक प्रयोग में आने वाले कंप्यूटर है, प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा है? माउस को सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 87 है, सीपीयू का प्रमुख कार्य होता है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा व जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, सीपीयू का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, सीपीयू के तीन मुख्य घटक होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे हम ALU भी कहते हैं, सीपीयू के प्रमुख घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, स्पैम किसे कहते हैं? अनसोलिटेड ईमेल को स्पैम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? रोस एंड कॉलम्स में स्प्रेडशीट में डाटा ऑर्गेनाइज होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, भरतनाट्यम शैली मुख्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर है तमिलनाडु राज्य से भरतनाट्यम शैली का संबंधित है। बाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है जेम्स वॉट ने बाप इंजन का आविष्कार किया था। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज से गुजरती है, भारत की मानक समय रेखा है। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? उत्तर है 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? उत्तर है 15,200 किलोमीटर भारतीय स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है JP कृपलानी, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे।
क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? उत्तर है राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? उत्तर है हॉकी। क्वेश्चन नंबर 103 है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? मास्को 1980 में जीता था। क्वेश्चन नंबर 104 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में, बोधगया बिहार में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 105 है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? उत्तर है शुक्र, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह। पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? उत्तर शुक्र, पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 107 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 108 है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में, क्वेश्चन नंबर 108 है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तर है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? उत्तर है कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 110 है, पंजाब केसरी किसने, किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड फॉलो एंड शेयर और कमेंट, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। वीडियो अच्छा लगे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।